ओडिशाला अम्फान चक्रीवादळाचा तडाखा बसलाय. ओडिशातील भद्रक तसंच किनारपट्टी लगतच्या भागात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस सुरू झालाय. अम्फान वादळाचा वेग वाढलाय. ताशी 220 किलोमीटर वेगानं हे वादळ आता जमिनीकडे सरकतंय. आज हे वादळ पश्चिम बंगालच्या किनाऱ्यावरती धडकणार आहे. दरम्यान प्रशासनानं या भागातील सुमारे 3 लाख नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवलंय. दरम्यान वादळामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी एनडीआरएफच्या 41 तुकड्या पश्चिम बंगाल आणि ओडिशामध्ये तैनात करण्यात आल्यात. ओडिशाला या वादळाचा तडाखा बसलेला या दृश्यांमधून आपण पाहू शकतो. आज पश्चिम बंगालच्या किनाऱ्यावरती हे वादळ धडकणार आहे. वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस सुरू झालाय. ताशी 220 किलोमीटर वेगानं वारे वाहत आहेत. आणि याच संदर्भात अधिक माहिती देतात आमचे प्रतिनिधी सरोज बेहरा, सध्या आपल्या संपर्कात आहेत. सरोज, काय परिस्थिती आहे तिथली? ये जो समंदर है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ज्वार उठ रहा है, नॉर्मली ये समंदर लगभग 500 से 600 मीटर दूर रहता है, लेकिन चक्रवात जो तूफान है अम्फान की वजह से ये समंदर अभी 1 किलोमीटर लगभग आगे आ गया है. अभी हम लोग जहाँ पर हैं वो समंदर के जो तल है वहाँ से लगभग 30 फुट ऊपर हम लोग हैं, तो हम कह सकते हैं कि अभी यहाँ पे समंदर नीचे से लगभग 30 फुट ऊपर ज्वार आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है. अभी जो भुवनेश्वर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो बोल रहा है, जो आकलन कर रहा है कि अभी जो सुंदरबन में जो लैंडफॉल करेगा, लेकिन जो लैंडफॉल का टाइम है वो शाम तक हो जाएगा, 6 से 7 बजे तक ये लैंडफॉल कर सकता है. सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे राज्य सरकार और जो जिला प्रशासन है, लगभग 1.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है. जो सूखा हुआ खाद्य है वो उनको दिया गया है, और चेष्टा किया जा रहा है कि सभी लोगों को सुरक्षित रखा जाए. पहले भी आप देख सकते हैं, अभी उड़ीसा सरकार के आगे चैलेंज था कि फाइलेन हो, जैसे भी हो, फनी हो, जो भी मुकाबला उड़ीसा गवर्नमेंट कर चुका है, लेकिन अभी ये जो अम्फान का जो प्रभाव है वो उनसे भी थोड़ा ज्यादा रहेगा. कम टाइम में रहेगा लेकिन ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से ये जो तबाही मचा सकता है वो बहुत बड़ी तबाही होगी. इसीलिए राज्य सरकार अभी चेष्टा कर रहे हैं कि जो भी लोग सपास रहते हैं उन लोगों को कैसे सुरक्षित जगह पे लेके जाएंगे. जी,